लेसन 14 आजाद द मार्टियर। लेसन 14 पढ़ रहे हैं अपन, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, आजाद यानी कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि क्या थे, एक बहुत बड़े हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। द मार्टियर, मार्टियर का यहाँ पर मतलब क्या होता है, शहीद। तो वो जो है हमारे जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो कभी भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो शहीद हुए। मरना और शहीद होने में बहुत अंतर होता है। मरना यानी मृत्यु हर किसी की होती है, लेकिन शहीद हर कोई नहीं होता है। शहीद वो होता है जो देश के लिए मरता है। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो देश के लिए मरे थे। उनकी मृत्यु जो है वो, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो देश के लिए अपनी उन्होंने जान न्योछावर कर दी। तो वो आजाद, हम उसके बारे में, उनके बारे में बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। चंद्रशेखर सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जागरणी देवी। चंद्रशेखर जो थे वो किसके पुत्र थे, पंडित सीताराम तिवारी और जागरणी देवी के वो पुत्र थे। तो ये कौन से गांव में जन्मे थे, वॉज बॉर्न इन विलेज भाबरा, क्योंकि भाबरा गांव के अंदर जन्मे थे, जो कि कहां पर है, इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वो कहां पर है, मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव भाबरा में जन्मे थे। वो कब जन्मे थे, वो 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म हुआ था, भाबरा गांव के अंदर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है, जो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और किनके घर में हुआ था, पंडित सीताराम तिवारी और जागरण देवी के वो पुत्र थे। आगे पढ़ते हैं। He received his early education in Bhabra। अपनी जो शुरुआती जो पढ़ाई है, जो शुरुआती शिक्षा उन्होंने कहां से करी, भाबरा से करी, जो कि हर बच्चा छोटा होता तब अपने गांव से पढ़ता है। जो भी फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। लेकिन वो उच्च शिक्षा के लिए कहां गए, वो वाराणसी में संस्कृत पाठशाला में गए। वाराणसी यानी कि पहले जिसे हम बनारस कहते थे, बनारस गए वो संस्कृत पाठशाला में एडमिशन लेने के लिए। ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ हनुमान। वो हनुमान जी के एक बहुत बड़े भक्त थे। एंड वंस डिस्गर्ड हिमसेल्फ एज अ प्रिस्ट इन द हनुमान टेम्पल टू एस्केप द क्लच्स ऑफ ब्रिटिश पुलिस। तो एक बार उन्होंने ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से बचने के लिए अपने आप को हनुमान जी के मंदिर में क्या किया था, उन्होंने मंदिर के पुजारी के रूप में का भेष में आ गए थे वो ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए। और वो अपने आप को जो है हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त बताते थे, हनुमान जी के वो बहुत बड़े जो है वो फॉलोवर थे, यानी कि भक्त थे। यंग चंद्रशेखर वॉज अट्रैक्टेड बाय ग्रेट नेशनल अपसर्ज ऑफ नॉन वायलेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। जो यंग चंद्रशेखर यानी कि जो जवान, यानी कि उस समय उनकी उम्र कम थी, तो जवान चंद्रशेखर जो थे वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड यानी कि बहुत ज्यादा आकर्षित थे किसके प्रति, द नेशनल अपसर्ज ऑफ नॉन वायलेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21। तो 1920 से लेकर 1921 तक जो नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा और नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन जो चले थे हमारे देश में, दो महान आंदोलन जो चले थे, किसके लीडरशिप में, उनकी लीडरशिप कौन कर रहे थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनकी लीडरशिप कर रहे थे। तो जो चंद्रशेखर आजाद थे, इन दो आंदोलन के प्रति वो बहुत ज्यादा आकर्षित थे, वो भी चाहते थे कि मैं भी इसमें ज्वाइन करूं, और आखिर उन्होंने उसको ज्वाइन किया। ही ज्वाइंड इट एंड वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। उन्होंने इसको ज्वाइन किया और वो इसके अंदर क्या हुए, वॉज अरेस्टेड यानी कि उनके अंदर गिरफ्तार भी हुए, गिरफ्तार हुए वो इस आंदोलन को ज्वाइन कर एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। और उन्हें किसके सामने लाया गया, मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया गया, प्रोड्यूस्ड मतलब यानी कि उन्हें पेश किया गया। ही गेव हिज नेम एज आजाद, उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, उन्होंने अपनी माता अपने पिता का नाम जो है क्या बताया, स्वतंत्र बताया। एंड हिज रेसिडेंस एज प्रिजन, और अपना जो है उन्होंने आवास यानी कि रहवास जो कहाँ रहते हो तो क्या बताया उन्होंने, प्रिजन यानी कि जेल में। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, इससे जो इस बात से जो है मजिस्ट्रेट क्या हो गए, भड़क गए, उन्होंने मजिस्ट्रेट को उकसा दिया। प्रोवोक क्या करना यानी मतलब क्या होता है, भड़काना यानी कि भड़कना। मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट यानी कि जज जो उनका केस सुन रहे थे वो क्या हो गए, भड़क गए, वो गुस्सा गया उनको। हु सेंटेंस्ड हिम फॉर 15 लैशेस ऑफ फ्लॉग, और उन्होंने उसको क्या सजा दी, 15 लैशेस ऑफ फ्लॉग, फ्लॉग यानी होता है चाबुक, चाबुक से मारना। तो उन्होंने क्या बताया कि इन्हें 15 बार चाबुक से क्या किया जाए, मारा जाए, ये उन्होंने उनको सजा दी। इस फोटो में देखिए, ये जो दिख रहे हैं अभी आप येलो येलो देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर डॉट, मेरा एरो जहाँ पर है, ये जज है, मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं। और ये जो मूछे में जो दिख रहे हैं ये हमारे आजाद हैं, चंद्रशेखर आजाद। और ये पुलिस वगैरह और ये और दूसरे दो इनके आसपास इनके कोई होंगे जज कोर्ट में रहते हैं। और ये यहाँ पर जो मूछे वाले हैं वो कौन है, आजाद हैं, आजाद चंद्रशेखर आजाद, अपनी मूछों की वजह से भी जाना जाते थे।
As a revolutionary, he adopted the surname Azad, which means free. As a revolutionary, यानी कि एक आंदोलनकारी होने के नाते उन्होंने अपना जो नाम है, अपने नाम के पीछे सरनेम, यानी कि नाम के पीछे जो अपन लगाते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा, तो शर्मा क्या हुआ, सरनेम हुआ। तो ऐसे ही आजाद उन्होंने अपना क्या बना लिया, उन्होंने अपना सरनेम बना लिया, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री। आजाद यानी क्या होता है, हम सभी को मालूम है, आजाद रहना, आजाद उड़ना, यानी कि क्या होता है, आजाद यानी क्या होता है, फ्री, यानी कि जिसमें कोई बंदिश ना हो। ही वंस क्लेम्ड दैट ही वाज नेम्ड आजाद, ही वुड नेवर बी टेकन अलाइव बाय पुलिस। उन्होंने एक बार जो है ये वादा किया था, ये क्लेम किया था कि चूंकि मेरा नाम आजाद है, मुझे कभी भी पुलिस जिंदा नहीं पकड़ पाएगी। उन्होंने ये क्या कर दिया था, एक बार उन्होंने प्रण ले लिया था, जो कि उन्होंने पूरा करके दिखाया। उन्होंने एक बार कहा था कि पुलिस मुझे कभी भी जिंदा नहीं पकड़ सकती, पुलिस की मैं इतना जोर नहीं है पुलिस में कि वो मुझे जिंदा पकड़ लें, ऐसा कहा था एक बार। चंद्रशेखर आजाद वॉज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, एक बहुत बड़े आंदोलनकारी थे वो देश के, भारत देश के। His fierce patriotism and courage inspired others to enter the freedom struggle. Fierce यानी क्या होता है, भयंकर, भयंकर देशप्रेम, भयंकर देशप्रेम यानी कि बहुत जो खतरनाक उनका देशप्रेम था, उसका patriotism यानी क्या होता है, देशप्रेम, जो देशभक्त होते हैं। Courage inspired others to enter the freedom struggle. तो उनके जो ये देशप्रेम था, उनका जो देशप्रेम था, उसने कहीं दूसरे लोगों को भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में इंस्पायर किया, मतलब बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया, और उनके इंस्पिरेशन से बहुत सारे लोग भी उनके फ्रीडम स्ट्रगल में, यानी कि जो हमारी आज़ादी की जो लड़ाई है उसके अंदर क्या हो गए, जुड़ते गए उनसे लोग। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के क्या थे, मेंटर यानी क्या थे, गुरु भी थे। हु वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर, जो खुद एक फ्रीडम फाइटर थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन डिवोशनली एक्टिविटीज, यानी कि देश के जो आंदोलन हुआ करते थे उनमें दोनों, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा लेना। ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1919। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन काकोरी केस। ही यानी अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं, भगत सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ही यानी चंद्रशेखर आजाद ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर। अमृतसर में जो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, सर शायद जलियांवाला बाग केस आपको मालूम हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। जलियांवाला बाग जो है 1919 में अमृतसर में हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है वो सरकार से, यानी कि ब्रिटिश सरकार से ना खुश थे, उनके कुछ रूल्स या उनके सरकार चलाने के तरीके से वो ना खुश थे। सारे लोग उनके विरोध में वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जलियांवाला एक बाग है उस बाग में इकट्ठा हुए थे। तब वहाँ का जो डायर, जो जनरल था, जनरल डायर, उन्होंने बिना नोटिस के, बिना लोगों को बताए, उन्होंने वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें कितने ही लोग जिंदा वहाँ पर जो है, लोग जो इकट्ठा हुए थे सारे वहाँ पर मर गए थे। उन्होंने जो जलियांवाला बाग के जो गेट थे वो गेट भी उन्होंने बंद करवा दिए थे, लोग भाग नहीं पाए बाहर, और भगदड़ मच गई और लोग को वहां पर ही मार दिया गया। वो जलियांवाला बाग एक नरसंहार, यानी कि लोगों को बिना किसी कारण के लोगों, इतने लोगों को मार दिया था ब्रिटिश सरकार ने, तो वो जलियांवाला बाग कांड था। तो उस वजह से जो है इनको बहुत ही जो है क्या हुआ था, बहुत ही इनको ठेस पहुंची थी चंद्रशेखर आजाद को। ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन काकोरी केस, और काकोरी केस में भी ये लोग, चंद्रशेखर आजाद जो थे वो उसमें भी ये इनका इन्वॉल्वमेंट था, यानी कि उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर अग्रेसिव रिवोल्यूशनरी आइडियल्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ, यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था, उसको गांधी जी ने कैंसिल कर दिया था। तो उसके बाद ही वॉज आफ्टर दैट उसके बाद ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर अग्रेसिव रिवोल्यूशनरी आइडियल्स। जो वो चंद्रशेखर आजाद थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के वापस ले लेने के बाद वो दूसरे जो रिवोल्यूशनरी आइडियल्स थे उनकी तरफ वो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए। यानी कि जो अग्रेसिव रिवोल्यूशनरी थे, जो कि ये अहिंसा, महात्मा गांधी जी से रहते ना सिंपल तरीके से, उस तरह से रिवोल्यूशनरी, अग्रेसिव यानी कि जो बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको क्रिकेट में आपको एग्जांपल देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी है, वो क्या है, कैप्टन कूल है,
एकदम आराम से खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली जो है वो क्या है, एग्रेसिव है, यानी कि खतरनाक तरीके से खेलने वाला। तो एग्रेसिव रिवोल्यूशनरी में भी ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं जो महात्मा गांधी की तरह होते हैं कूल, और कुछ जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, तो उनकी तरफ इनका जो है उनका अट्रैक्शन ज्यादा था। चंद्रशेखर बोस अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। ब्रिटिश पुलिस के लिए वो चंद्रशेखर आजाद जो थे वो क्या थे, एक आतंक थे, क्योंकि उन्होंने उनकी उनके दम करके रखा था, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश की दम करके रखा था, उनको बहुत परेशान किया उन्होंने, इसलिए वो उनकी जो है हिट लिस्ट में थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। इसलिए जो ब्रिटिश पुलिस थी वो उन्हें क्या करना चाहती थी, या तो जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में वो चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना चाहती थी, क्योंकि वो उनकी बहुत ही बैंड बजा चुके थे, ब्रिटिश पुलिस की उन्होंने वाट लगा कर रखी हुई थी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। ऑन फेब्रुअरी 27, 1931 चंद्रशेखर आजाद में टू ऑफ हिज कॉमरेड्स एट द आजाद पार्क, अल्फर्ड पार्क इन अलाहाबाद। तो ये क्या बोल रहा है कि 27 फरवरी 1931 को जो चंद्रशेखर आजाद थे वो किससे मिले, अपने दो कॉमरेड्स, कॉमरेड्स यानी क्या होता है, साथी, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनका जो साथ दे रहे थे वो उनके कॉमरेड्स यानी कि साथी थे, उन्हें कहाँ मिले वो, आजाद पार्क में, आजाद पार्क यानी अल्फर्ड पार्क जो उस समय नाम था उसका, इन अलाहाबाद, जो कहाँ थे, अलाहाबाद में। ही वॉज बीट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू ब्रिटिश पुलिस। तो किसी ने उनके बारे में, किसी इन्फॉर्मर ने यानी किसी खबरी ने ब्रिटिश पुलिस को उनकी खबर दे दी, क्या दे दी उनको, अपने दोस्तों को धोखा दे दिया, मतलब चंद्रशेखर को धोखा दे दिया किसी ने, किसी को पता होगा कि वो वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने बात किसको, ब्रिटिश पुलिस को बता दी, यानी ये खबर कर दी, इन्फॉर्मर यानी खबरी, खबरी का काम क्या होता है, खबर करना। तो पुलिस को मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया, कि आजाद पार्क में अपने दो दोस्तों से मिलने के लिए आ रहा है, कौन आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद, अच्छा मौका है, पकड़ लेते हैं। तो यही सोचकर जो है पुलिस वहाँ पर आई, तो पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर। तो पुलिस ने जो है क्या करा, पूरे पार्क को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे फिल्मों में दिखाते ना, पूरे पुलिस घेर लेते, बोलती है हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने हथियार डाल दो, उसी प्रकार से कुछ जो है पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, चंद्रशेखर आजाद को, उस पार्क को घेर लिया, और उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया चंद्रशेखर आजाद को कि तुम सरेंडर कर दो, सरेंडर यानी क्या होता है, तुम आत्मसमर्पण कर दो। आजाद फॉट वैलेंटली, लेकिन आजाद नहीं माने, आजाद जो है वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, उन्होंने उनका सामना किया, वैलेंटली मतलब यानी क्या होता है, बहादुरी से वो लड़े ब्रिटिश से, कैसे लड़े, मतलब हाथापाई नहीं, चाटा मारना, लाते घुसे मारना, वैसा नहीं लड़ना, बोलते उन्होंने अपने पास एक गन थी, उस गन से उन्होंने जो है मारना शुरू किया, शॉट करना, एंड किल्ड थ्री पुलिसमैन, और उन्होंने तीन पुलिस वालों को मार दिया, कैसे मार दिया, अपनी बंदूक से। और अब सडनली क्या हुआ, उनकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, 6 गोलियां रहती बंदूक के अंदर, तो आपको फिल्म देख के मालूम पड़ गया होगा, तो 6 में से जो है 3 पुलिस वालों को तो उन्होंने मार दिया, तो अब 3 शायद इधर उधर लगी होगी, मिस भी हो जाती, इतने पक्के निशानेबाज नहीं होंगे चंद्रशेखर आजाद, तो उनकी जो है बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। बट फाइंडेड हिमसेल्फ सराउंडेड, ही शॉट हिमसेल्फ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब मेरी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई है, मैं चारों तरफ से घिर चुका हूं, अब बचना मुश्किल है, उन्होंने क्या करा, अपने आप को उन्होंने गोली मार दी, खुद के कनपट्टी पर रख के उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। दस He kept his pledge of non being caught alive. और इस तरह उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा, अपनी प्लेज यानी कि अपनी जो उन्होंने जो कसम खाई थी कि मैं ब्रिटिश सरकार को कभी भी जिंदा मुझे नहीं पकड़ पाएगी, जो कसम खाई थी वो उन्होंने आज पूरी कर दी। कैसे पूरी कर दी, अपने आप को सरेंडर करने के बजाय उन्होंने क्या करा, जो आखिरी गोली बची थी उसके अंदर, वो आखिरी गोली उन्होंने अपने कनपट्टी पर लगाकर अपने आप को ही गोली मार दी। मैं सॉरी, मैं गलत बोल दिया आपको, कि बंदूक में 6 गोलियां होती है, उनमें से उन्होंने 5 जो है खत्म हो गई थी, 1 बची थी उनके, तो एक ही बची थी गोली, तो उन्होंने सोचा कि एक को दूसरों को मार के मैं जेल जाऊं, इससे अच्छा इस एक से मैं अपने आप को गोली मार लेता हूं, तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदुस्तानी कपलेट, वो जो उनका जो फेवरेट कपलेट यानी जो उनका जो दोहा था, हिंदुस्तानी दोहा, वो हमेशा वो गाया करते थे। कौन सा था वो, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे। यानी कि क्या मतलब इसका, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, हम अभी भी आजाद हैं और हम हमेशा आजाद रहेंगे। तो ये उनका फेवरेट, उनका जो है पसंदीदा क्या था, दोहा था, जो हमेशा वो गाया करते थे। टू पे होमेज टू सच अ रिवोल्यूशनरी हीरो ऑफ भारत माता, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड। तो उन जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अभी कौन से स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है,
वो जिस स्टेट से वो बिलोंग करते थे, कौन से स्टेट के थे वो, मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने उनके सम्मान में, किसके सम्मान में, चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में क्या बनाया, एक पुरस्कार बनाया, एक अवार्ड बनाया, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड। इस नाम से उन्होंने एक पुरस्कार बनाया चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में, तो उसको जब भी कोई वीर होगा उसको देने के लिए। द अवार्ड विल कैरी एन अमाउंट ऑफ 1,00,000 रुपीज, 1,50,000, यानी कि 1,00,000, 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का जो है उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए का अमाउंट रहेगा, पैसे रहेंगे उस अवार्ड के अंदर, जिसको भी अवार्ड मिलेगा उसको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। एंड बी प्रेजेंटेड एट ए स्पेशल फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट भोपाल ऑन बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आजाद। और इसको किस तरह दिया जाएगा, बी प्रेजेंटेड एट ए स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन पे दिया जाएगा, टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट भोपाल, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, भोपाल में, यानी कि हमारे राज्य, यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, भोपाल में होगा, ऑन बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस, यानी कि जिस दिन उनकी जो है क्या हुई, उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया देश के लिए, अब जो शहीद हुए उस दिन के रूप में जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा, भोपाल में एक प्रोग्राम होगा वहां पर दिया जाएगा। तो ये थे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, चंद्रशेखर आजाद जो थे वो कितने वीर थे, चंद्रशेखर आजाद का फोटो दे रखा है। तो इस तरह हमने चंद्रशेखर आजाद का ये चैप्टर, जो ये लेसन है, पूरा किया। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो प्लीज हर बार की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।